कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो इसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉर्मल आपका एक ड्रिंक जैसा है जिसके अंदर यीस्ट है और जिसके अंदर थोड़ा सा स्कोबी, यानी कि जो जिस चीज से बनता है वो। बाकी इसके अंदर इतना अच्छा प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो आपके पेट के लिए काफी ज्यादा अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करता है। जो सोसाइटीज अंदर है वो बेसिकली खाद है, जैसे एक झाड़ के लिए खाद जरूरी होता है ना बड़ा होने के लिए, अच्छा होने के लिए, वैसे यहाँ के लिए भी खाद बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पर हम क्या करते हैं, नहीं देते, कचरा डालते हैं, है ना, और फिर थोड़ा देर बाद वो कचरा पूरा अंदर चिपक जाता है, बहुत सारी तकलीफ होती है। तो वो चीज साफ करने के लिए ये बेसिकली खाद है, जो आपके अंदर की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रेंथ करेगा और साथ में बाकी बॉडी की फंक्शंस में भी मदद करेगा। कौन सी बॉडी की फंक्शन में मदद करेगा, वो ये है कि एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक है, थकान वगैरह जिसको होती है शाम के टाइम पे नहीं, तो इसमें थोड़ा सा कैफीन है, थोड़ा सा वो चीज है जो आपको चाय और कॉफी में मिलता है, तो जिसको हर किसी को पसंद नहीं वो ये चीज भी ट्राई कर सकता है। थोड़ा सा कंटेंट है तो आपको ज्यादा भी ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम से एनर्जी आ गया फिर आप एकदम थक जाओगे, ऐसा नहीं होगा, एक मैनेज एनर्जी लेवल देगा। जिसको अपना वजन कम करना है उसके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, तो किसी को अगर चाहिए होगा तो वो 30 दिन तक रोज कंबुचा थोड़ा थोड़ा पी के देख सकते हैं कि आपका दूसरे एक महीने के बाद वजन कितना कम होता है। फिर जब हम मिलेंगे 21 फरवरी को तो बिल्कुल आप बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस कि कैसे आपने कंबुचा पिया और आपका वजन कितना कम हुआ। हर संडे को आपको बस वजन करना है और डेली थोड़ा सा पीना, बाकी आपकी चीजें सेम रखो, कोई बात नहीं, ठीक है। एक हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, एक टेस्टिमोनियल हो जाएगा, तो अगर किसी को करना है वो तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको दूसरा मैंने क्या करता है, ये खाद है और ये क्या करता है, क्लेंजिंग करता है, ठीक है। राजा की जो रानियां थी वो उसको क्यों पीती थी, ताकि उनकी जो त्वचा है वो एकदम ग्लोइंग त्वचा हो जाए, जहां पर चमक आना शुरू हो जाए, जिसको कहते हैं ग्लास स्किन, है ना, वो आना शुरू हो जाए। तो अगेन जो भी आपका अगर पेट खराब है, अगर आपका चीजें सही से नहीं चल रही पेट के अंदर, तो आपके चेहरे पर दिख के आता है, हाँ, तो उसको अगर ठीक करना है तो आपको अच्छा, आपको पेट का जो एनवायरमेंट है, सोसाइटी है, वो एकदम से साफ सुथरी रखनी है, तो ये आप कंज्यूम करेंगे तो अपने आप कचरा बाहर हो जाएगा। और साथ ही साथ जितनी भी चीजें डॉक्टर लिए बनाते हैं, एक चीज ध्यान रख के बनाते हैं कि हम हमारी इम्यूनिटी उससे ज्यादा स्ट्रांग कर सके, क्या कर सके, स्ट्रांग कर सके। जब भी आप कोम्बुचा की बात किसी से करें तो ये कहना है कि ये दवाई फिर से नहीं, ठीक है, ये खाने की चीज है जिसके अपने अपने फंक्शन है बॉडी में, और वो फंक्शन आपकी बॉडी में जब आप इसको कंज्यूम करोगे तो आपको दिक्कत आएगा। क्या करना है लेकिन, रोज इसको लेना है थोड़ा थोड़ा करके। अभी एक क्वेश्चन ये आता है कि इसको ठंडा लू या सादा लू, ठीक है, गर्म करके रखू या इसको फ्रिज में डाल के रखू, क्या करना है। तो अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं या बहुत ज्यादा इसको गर्मी में रखते हैं तो शायद इसके अंदर के बैक्टीरिया जो है ना वो थोड़े से जो है ना वो कहीं मर सकते हैं अंदर, ठीक है। और दूसरा, अगर आप इसको एकदम से फ्रिज में एकदम ठंडा करके रखेंगे तो वो बैक्टीरिया अपने घर के अंदर जाके सो जाएंगे, यानी उतना काम नहीं करेंगे। तो बेस्ट है कि आप इसको थोड़ा सा चिल ले सकते हो, पर साथ में अगर इसको रूम टेम्परेचर पे लेते हो ना, 22 से 25 डिग्री के बीच में जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, तब इसका जो एक्शन है वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। सो आपको रूम टेम्परेचर पे इसको कंज्यूम करना है। दूसरा, कौन सा समय सबसे ज्यादा अच्छा है इसको कंज्यूम करने के लिए, मैं इसको कब लूं, अगर मुझे डायबिटीज है या कुछ है तो मैं इसको सबसे ज्यादा कब लेना चाहिए। तो जब भी आपको पता है कि अभी आपने बाहर जाना है और कुछ तो अच्छा जंक फूड खाना है, जो आपको पता है घर में नहीं बना है, बहुत ज्यादा उसमें तेल है, शायद नॉनवेज है, ठीक है, और बहुत ज्यादा शक्कर है या बहुत ज्यादा मीठा है, तभी बेस्ट टाइम होता है इसको कंज्यूम करने का, कि जो आप खा रहे हो उसका टेक केयर कौन करेगा, ये बैक्टीरिया अपने आप कर लेगा, आपको फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद वो जो एक इनो का पैकेट लेना पड़ता है ना हर शादी से जाके आने के बाद, वो आपको लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आप जब ट्रैवल कर रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, तभी भी आप इसको साथ में लेके जा सकते हो। बॉटल इतनी अच्छी है, बॉटल की पैकिंग इतनी अच्छी है, आप उसको इजीली एक छोटा सा डाल के आप इसको कैरी कर सकते हो। बाकी रोज इसको पियोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बॉटल लेके आना, पूरी फैमिली आप डिवाइड करके भी ले सकते हो, थोड़ा सा भी लोगे तो भी चलेगा, पूरी बॉटल लोगे तो भी चलेगा, आपका पॉकेट जितना अफोर्ड करता है उतने में आप ले सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से हमारे पूरे प्रोडक्ट रेंज में से ये सबसे अच्छा, बेस्ट और अफोर्डेबल प्रोडक्ट आया है, जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि
₹15 आज एक बड़ी चीज नहीं है आपके लिए हेल्थ लेने के लिए, आपकी फैमिली के लिए हेल्थ लेने के लिए। अगर ये बॉटल रोज भी खुलती है ना, रोज भी खुलेगी ना ये बॉटल आपके घर में, आपके परिवार वाले सारे पियेंगे, तो भी पूरे महीने के बाद भी आपका बहुत सारा खर्चा बचेगा जो शायद आपको आपके एरिया के हॉस्पिटल या आपके फैमिली डॉक्टर को ढोलना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सोच समझ के एक आम आदमी के पॉकेट को, एक आम आदमी की मेंटालिटी को सोच के शायद ये प्रोडक्ट को उन्होंने लॉन्च किया है, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। कोई नए इंसान को बात करने के लिए भी ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इजी और कन्वीनियंट है, ठीक है। तो ये अगर आप रोज ओपन करते हैं तो इससे आपके फैमिली की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे हिसाब से पूरे फैमिली के लिए बहुत ही परफेक्ट ड्रिंक है। बाकी थोड़ा